हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए दोस्तों, दो बड़ी अपडेट जो है सामने हमारे निकल कर आ रही है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो आप देख सकते हैं 10% का लोअर सर्किट हमें रिलायंस पावर में लगता हुआ दिखाई दिया था, और उसकी वजह भी आप सभी को पता होगी, क्योंकि जो रिलायंस पावर है उसमें 15% जो स्टेक हैं वो एक फर्म उठाने जा रही है। इस वजह से ये स्टॉक जो है 10% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। अपने 21 रुपए के लेवल पर ये चल रहा था, और अभी भी जो ये कंपनी इसमें 15% स्टेक बाय करेगी वो 27% डिस्काउंट पर बाय करने जा रही है। तो इसीलिए ये बड़ी खतरा मींस गिरावट का खतरा है रिलायंस पावर में, क्योंकि 15 रुपए के प्राइस पर जब स्टॉक का प्राइस 15% हिस्सेदारी खरीदेगी तो यहाँ से ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ अभी सामने निकल कर आज ही के दिन आई है, वो भी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस पावर टैंक्स 10% एज फर्म सेट्स VFSI प्रेफरेंशियल इशू प्राइस एट 27% डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको बताया। आगे आप यहां, मैं आर्टिकल के माध्यम से आपको दिखा सकता हूं। आप यहां ध्यान से देखिएगा, द कंपनी अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ शेयर्स वाया प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एट रुपीज 15.55 मीन्स 15.5 रुपये पर कंपनी शेयर्स बेचेगी, और जो कि 27% डिस्काउंट प्राइस पर है, जो कि प्रीवियस क्लोज मीन्स 21.3 से 27% डिस्काउंट पर जो है कंपनी शेयर को इशू करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट फर्म को। आगे आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया है 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो और वारंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में थ्रू प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑन ए प्राइवेट बेसिस टू VFSI होल्डिंग्स। आगे आप देख सकते हैं कि जो ये VFS होल्डिंग्स है ये एक सब्सिडरी आर्म है किसकी, वर्दे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स की। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है सामने निकल कर आ रही है कि रिलायंस पावर जो कि 933 करोड़ रुपए के लिए अपने 15% स्टेक जो है वो VFSI होल्डिंग को बेचने जा रही है, इशू करने जा रही है। और इसी वजह से जो मींस लास्ट ट्रेडिंग डे में फ्राइडे के दिन आपको 10% का लोअर सर्किट हमें देखने को कंपनी में मिला था। अब दोस्तों, ये तो हो गई पहली न्यूज़। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी बहुत अभी मींस आज ही के दिन ये न्यूज़ आई है, तो चलिए अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। जी, यहाँ आप देख सकते हैं 10 सितंबर आज ही के दिन कंपनी ने NSE और BSE इंडिया को इन्फॉर्म किया है। तो आप यहाँ मींस देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जो हैं जो डायरेक्टर्स थे, रिजाइंड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज अनेबल टू कंटिन्यू टू सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी ओविंग टू अदर प्री ऑक्यूपेशन एंड कमिटमेंट टू कम्प्लीट सम टाइम बाउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रीज़न यहाँ कंपनी ने मैंशन किया है, डायरेक्टर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी ने रिज़ाइन दिया है। आप देख सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं कि द डायरेक्टर हैज़ कन्फर्म दैट देर आर नो अदर रीजन्स फॉर रेजिग्नेशन अदर देन स्टेटेड अबव। आगे आप देख सकते हैं, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर यहाँ दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, आगे मैं आपको ये लेटर भी दिखा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ रेजिग्नेशन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड। तो दोस्तों, ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जब इतने टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में से
काम के इशू के वजह से मींस टाइम बाउंडेड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने यहाँ रिज़ाइन में भी शेयर किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, आई हेयर बाय सबमिट माई रेजिग्नेशन विद इमीडिएट इफेक्ट, आई एम सबमिटेड माई रिज़ाइन सोलेले बिकॉज ऑफ माई इनएबिलिटी टू अकॉर्ड एनफ टाइम टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कमिटमेंट टू कम्प्लीट सम मीन्स टाइम बाउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी वजह से कंपनी में जो डॉक्टर मैथ्यू हैं इन्होंने आज रेजिग्नेशन फाइनली दे दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर टॉप लेवल के इतने बड़े मीन्स इतने बड़े मैनेजमेंट टॉप लेवल की मैनेजमेंट में जब इतनी बड़ी हलचल होती है तो वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं मानी जाती। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो में रिलायंस पावर के बारे में थी। पहला 933 करोड़ रुपए के लिए 15.55 रुपये पर कंपनी जो है अपनी इशू करेगी, तो इस वजह से कंपनी में उस दिन भी 10% का स्टेक गिरावट हुई और आगे भी गिरावट का डर पूरा सता रहा है। इसके अलावा अभी आज के दिन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है, तो ये दो बड़ी न्यूज़ थी। अब मंडे को देखने लायक होगा कि कंपनी के शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है कि कंपनी के शेयर में हमें मंडे को भी गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों दो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आप सभी को देनी थी। तो अगर आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।